हेलो एवरीवन, मैं हूं नीता और आज के वीडियो में आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। और कल की है महाशिवरात्रि, तो कल के लिए कुछ चीज़ें मुझे लानी है। कुछ भी चीज़ें अभी घर पे नहीं है। दो तीन दिनों से, जैसे कि आपको पता है, मुझे थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बाहर ही नहीं निकली। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये तक नहीं है, तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बाहर जाऊँगी। और कल के लिए जो फास्ट के लिए चीज़ें लगती है वो भी लेके आऊँगी, पूजा के लिए जो चीज़ें लगती है वो भी लेके आऊँगी, और जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो इस बार लाना रह गए थे, वैसे हमने ऑनलाइन मंगाए थे, लेकिन ये सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपने आँखों के सामने या अपने हाथों से लेते हैं तो एक ऐसे लगता है कि नहीं अच्छे आए हैं, तो वो सब लाने वाली हूँ मैं। और पूजा का सामान मैं देखती हूँ आज कि क्या क्या मिलता है, और जैसे जितना मिलेगा, मतलब कुछ चीज़ें मैंने सोची है कि मुझे क्या क्या लाना है, अगर वो चीज़ें मिलती है तो बहुत अच्छा, लेकिन देखते हैं। अभी मार्केट में ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी मिलती ही नहीं हैं। पहले मार्केट बहुत अच्छा लगता था, तो सारी चीज़ें यहीं पे मिल जाती थी सामने। अभी बहुत ज़्यादा लंबा दूर जा नहीं सकते, तो सामने जो मिलता है वही सब लाना पड़ता है। तो अभी मैं जाती हूँ मार्केट, कल की तैयारी के लिए कुछ सामान लाती हूँ। गर्मियाँ पड़ना स्टार्ट हो गई है अभी, क्योंकि पहले जब ठंडियों में जब बाहर गए तो इतना ऐसे गर्मी नहीं लगती थी, इतना गर्म नहीं लगता था, तो पता नहीं अभी बहुत ज़्यादा गर्म लगने लगा है बाहर जाने के बाद भी। मतलब पहले फ़ैन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी अभी कुछ 15 दिन पहले, लेकिन अभी अचानक से गर्मियाँ भी बढ़ने लगी है, और उसके वजह से भी क्लाइमेट चेंज होता है तो थोड़ा सा तबीयत वगैरह ख़राब होती है। तो शायद मुझे लगता है हम लोगों को उसी की वजह से हुआ है। पूरे जब इतनी ठंडियाँ पड़ रही थी तब बिल्कुल भी सर्दी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, आइसक्रीम खाने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हुई वैसे ही हम तीनों को सर्दी हो गई थी। अभी तो ठीक है, अभी मतलब ठीक है, मतलब पूरा कवर हो गया है, लेकिन गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। और मार्केट में कल महाशिवरात्रि है इसलिए मैंने सामान तो लाया, जैसे मैंने बोला कि ज़्यादा फ्रूट्स भी नहीं थे और वेजिटेबल्स भी नहीं थे, तो वेजिटेबल्स तो मैंने ज़्यादा लाए नहीं, एक करके मैं लाऊँगी, क्योंकि फ्रूट्स की वजह से थोड़ा सा भारी हो गया था सामान। लेकिन कल की महाशिवरात्रि है इसीलिए उन्होंने फ्रूट्स के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई कर दिए हैं, मतलब हर चीज़ पे 30-40 रुपए बढ़ा दिए हैं उन्होंने। मजबूरी है, उनको भी पता है कि कल के लिए चीज़ें चाहिए। इवन फ्रूट्स तो छोड़ो, लेकिन भगवान के लिए जो चीज़ें लगती है, जैसे फूल, जो फूल 10 रुपए में मिलते थे वो आज 20 रुपए 30 रुपए कर दिए हैं। प्लस मुझे याद है वो जो हरतालिका पे जो हम शंकर भगवान को जो कांटे वाला फल, उसका नाम नहीं पता मुझे, वो चढ़ाते थे, मतलब चढ़ाते हैं अभी भी, तो अभी भी वो हम खरीद के ही चढ़ाते थे, लेकिन जैसे गांव में या मम्मी के यहाँ हम लोग ही उसे तोड़ के लाते थे, तो वहाँ पे कोई भी इसे ख़रीदता नहीं है, सब लोग एक दूसरे को, मतलब किसी के पास ज़्यादा हुए तो एक दूसरे को दे देते और वहाँ पे तोड़ के ही लाते। लेकिन वहाँ एक वो फल, क्या बोलते, काटेरी फल, ऐसा कुछ नाम नहीं है, शायद नाम होगा लेकिन मुझे नहीं पता, तो वो आज 10 रुपये 15 रुपये, प्लस वो बेल पत्ती भी 20 रुपये की मिल रही थी, फूल भी 20-30 रुपये के मिल रहे थे। तो सब खाने की चीज़ें तो छोड़ो, लेकिन भगवान के लिए जो चीज़ें हमें कल के लिए लानी है वो भी आज उन्होंने महंगी कर दी, क्योंकि उनको पता है कि कल के लिए चीज़ जो चाहिए वो तो लेना ही पड़ेगा अभी, तो इसलिए चीज़ें महंगी कर दी है। तो मैंने भी कुछ चीज़ें लाई है, तो वो कल का महाशिवरात्रि का अभी देखते हैं। थोड़ी सी तैयारी मैं अभी कर लेती हूँ, जैसे मूँगफली को रोस्ट वगैरह करना, और डिनर की तैयारी करनी है, तो डिनर में आज मैं क्या बनाऊँगी ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहले अभी मैं तो अभी मुझे बनाना था डिनर, और फिर मुझे याद आया कि सुबह मेरे से ये जो तुअर दाल है वो ज़्यादा बन गई थी, तो अभी मैंने इसे चेक किया, इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो ये अच्छी खासी तुअर दाल है। और अभी दाल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मतलब दाल का कुछ बनाने का। अगर मैं इडली बैटर लाती, पहले से ही मैं इसे देखती तो मैं इडली बैटर रेडीमेड लेके आती और इडली बनाती, तो शायद इतनी दाल ख़त्म ही हो जाती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, अगर इसे पतली दाल बनाऊँगी तो ये बहुत ज़्यादा बन जाएगी। तो मेरे मन में आया क्यों ना इसका पूरन बनाया जाए, जो हम इंस्टेंट कभी कभी जो अपनी कौन सी दाल होती है पूरन वाली, चना दाल, चना दाल अगर होता है ऐसा कभी कभी कि चना दाल हमने भिगो के नहीं रखी या उसे तैयार करके नहीं रखा, तो इंस्टेंट
पूरन पोली हमें बनानी है तो हम तुअर दाल की बना लेते हैं। मैंने कभी नहीं बनाई है, मैं फर्स्ट टाइम बनाऊंगी, तो मुझे लगता है कि मुझे लग रहा है अभी कि पूरन पोली बनाती हूँ, बहुत दिनों से खाई भी नहीं है, गुड़ की बनाऊंगी। और ये अच्छी खासी दाल है और सुबह का भी दाल राइस और थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है, तो रोटी ही डालनी है मुझे वैसे भी। मैं सोच रही हूँ इसका मैं पूरन बनाती हूँ। तो मैंने नॉन स्टिक पैन रख दिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है, क्योंकि ये जो दाल है ये मैंने सुबह बनाई थी तो अभी फ्रिज में रखने की वजह से वो हो गई है ड्राई, तो इसीलिए वो चिपके नहीं या जले नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया। और अभी इसे, और बहुत ज़्यादा मुझे ड्राई लग रही है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा पानी डालूँ, पहले देख लेती हूँ एक बार गर्म करके, और इसे 5 से 7 मिनट तक मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि एक खुशबू आने लगे, जैसे हम चना की दाल, जो चने वाली दाल डालते हैं उसे अच्छे से भून लेते हैं, तो उसी तरीके से मुझे ड्राई लग रही है तो मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ उसमें। और अभी इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लेती हूँ, बस इतना पानी बहुत हो जाएगा आई थिंक, ज़्यादा पूरन नहीं बनेगा, बस थोड़ा सा ही बनेगा, लेकिन ठीक है, तीनों के लिए तीन भी बन गई तो बहुत हो गया। और जब तक ये दाल हो जाएगी 5 मिनट तक, तब तक मैं आटा भी यहाँ पे लगा देती हूँ। 2 रोटियाँ डालनी है मुझे, अश्विन के लिए एक और यांश के लिए एक, मैं तो यही खाऊँगी, चाहे एक बने एक ही खाऊँगी, और थोड़ा सा बचा तो फिर राइस खा लूँगी। तो मैं आटा लगा देती हूँ पहले। तो ये देखिए इसे 5 से 7 मिनट हो गया है और थोड़ी थोड़ी चिपकने भी लगी है, तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ गुड़। अगर आपको गुड़ नहीं डालना है तो आप शक्कर डाल दीजिए, लेकिन शक्कर का फिर शक्कर नहीं खानी है, तो इसीलिए वैसे भी मैं पूरन जब भी बनाती हूँ मैं गुड़ ही डालती हूँ, तो इसलिए मैंने आधा कटोरी गुड़ डाल दिया है। और फिर से अभी इसे 10 मिनट तो करना पड़ेगा, 10 से 15 मिनट तक। और इस दाल को हमें पीसना नहीं रहता है, जैसे हम जो पूरन वाली जो चना दाल रहती है उसे मिक्सर में, या फिर वो जो पूरन पीसने वाला, जो दाल पीसने वाला जो वो आता है उसमें पीसते हैं, उसमें पीसने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है। अगर उसमें पीसेंगे मिक्सर में तो और भी ज़्यादा स्टिकी हो जाएगी और फिर उसकी पूरन पोड़ी नहीं बनेगी अच्छे से, तो इसीलिए ये ऐसे ही मैश हो रही है अच्छे से। तो ये ना अभी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है और हो गया ये ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट हो ही गई है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ ये जायफल, जायफल का पाउडर नहीं डालना है। अगर आप इस तरीके से हमेशा जायफल को ये कद्दूकस करके ये इस तरीके से डालोगे तो उसकी एक अलग खुशबू आती है, तो ज़्यादा नहीं क्योंकि दाल ही कम है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर डाल दिया थोड़ा सा, तो खुशबू अच्छी आएगी, देखते हैं अभी कैसी बनती है। और अगर आपका ये जो पेस्ट मैंने बनाया है इसका वो बहुत ज़्यादा पतला बनता है अगर, तो आप ना उसमें कद्दूकस किया हुआ कोकोनट डाल दीजिए, या तो फिर जो हमारे पास ड्राई कोकोनट रहता है उसे थोड़ा सा कद्दूकस करके इसमें डाल दीजिए, तो उतना पतला नहीं, थोड़ा सा वो थिक हो जाएगा, मतलब पूरन पूरी जो हमें बनानी है उसके लिए थोड़ा सा गाढ़ा इस तरीके से चाहिए। तो अब ये हो गया है, मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ, तब तक मैं जो रोटी चाहिए सादी वाली वो डाल देती हूँ, क्योंकि रियांश के लिए और अश्विन के लिए मुझे एक एक रोटी बनानी है, तो मैं पहले वो बना देती हूँ, तब तक ये भी ठंडा हो जाएगा। तो गेहूं का आटा ही मैंने यूज़ किया है, मैंने मैदा नहीं लिया है यहाँ पे, तो इस तरीके से थोड़ा सा लंबा हमें बेल लेना है। और बीच में मैंने जो पूरन बनाया था उसके 3 लड्डू बना लिए थे बड़े बड़े से, जितने भी मेरा पूरन बना था तो उसमें से मैंने लड्डूज़ बना लिए थे, तो इस तरीके से मैंने डाल दिया। और अभी ऐसे इसे बेलना है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, वो ऊपर की साइड से ऐसे जैसे हम मोदक को करते हैं उस तरीके से उसे बनाते हैं, तो ऊपर की साइड जो है वो आटा ज़्यादा रह जाता है, तो ये मुझे आसान लगता है। और इससे ना ऊपर के साइड और नीचे के साइड सेम रोटी की जो परत होती है आटे की वो सेम रहती है, एक साइड बहुत ज़्यादा मोटी और दूसरे साइड मतलब नीचे की साइड बहुत ज़्यादा पतली, ऐसे नहीं होती। तो तवा तो ऑलरेडी गर्म हो गया था, उसमें मैंने डाल दिया घी, और अभी जो पूरन पोली बनाई थी अच्छी तो बनी है, देखते हैं टेस्ट में कैसे बनेगी। तो अभी इसे दोनों साइड से मैं अच्छे से सेक लेती हूँ, ऊपर के साइड से भी थोड़ा सा घी डाल,
और अभी जो दो बचे हुए हैं, तीन ही बना रही हूँ मैं, हो सकता था चार बन सकती थी, बट छोटी छोटी बनती है तो इससे अच्छा तीन ही बना लूँ फटाफट। इसे टर्न करके, हाँ थोड़ा सा और ज़्यादा इसे सेकना है, तो मैं इसे अच्छे से सेकती हूँ और फिर आपको दिखाती भी हूँ और बताऊँगी भी कि टेस्ट में कैसी बनी है। देखिए मस्त दोनों साइड से मैंने इसे थोड़ा सा ऐसे बना दिया है, अच्छे से सेक ली है और यहाँ पे पूरन पोली बनके रेडी हो गई है। और इसी तरीके से मैं जो दो मेरी बाकी बची हुई है उसे भी बना लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे इंस्टेंट पूरन पोली मेरी बनके रेडी हो गई है, मस्त गर्मा गर्म है और अच्छी तो लग रही है। अभी टेस्ट करके मैं बताऊँगी कि कैसे बनी है, लेकिन अभी रियांश खेल रहा है नीचे तो मैं पहले उसे लेके आती हूँ और फिर साथ में डिनर करते हैं। हाँ खुशबू तो वैसी नहीं आ रही है, ऑफ कोर्स चना दाल की पूरन पोड़ी और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन जब मन करता है तो कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, भूख लगी रहती है, खाने की इच्छा हो तो ये भी अच्छी लग सकती है। इसके पहले भी मैंने खाई है ये तुअर दाल की पूरन पोड़ी, तो इतना टेस्ट नहीं आता है मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी अभी अच्छी लग रही है। तो सारे काम मैंने निपटा दिए हैं, प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया, बर्तन भी साफ़ कर दिए, क्योंकि फिर बीच में ये काम करूँगी तो वो काम पड़ा रहता है, इससे अच्छा वहाँ का फिर कंप्लीट कर लो और फिर बैठ जाओ, क्योंकि एक दो वीडियोस मेरे पेंडिंग पड़े थे। इस वीक में मेरे ज़्यादा वीडियोस आए नहीं क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए एडिटिंग भी हो नहीं पाया, तो कुछ वीडियोज़ की मुझे एडिटिंग भी करनी है। और जो मैंने तुअर दाल की पूरन पोली बनाई थी वो नकली ही सही, लेकिन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। अश्विन को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन कम मीठी बनाती हूँ और एक चल जाती है तो अच्छी बनी थी। सिर्फ फ़र्क मुझे उतना लगता है, टेस्ट में ऑफकोर्स फ़र्क रहता है, और जो तुअर दाल से मैंने अभी पूरन पोली बनाई थी उसमें थोड़ी सी चावल की क्वांटिटी भी रहती तो वो स्टिकीनेस आ जाता है, ये थोड़ा सा ड्राई हो गया था। जैसे चना दाल में हम थोड़ा सा राइस डालते हैं जब भी पूरन बनाते हैं, तो इसमें नहीं डाला था, तो मुझे लगा कि जो राइस बना हुआ था वही थोड़ा सा डाल देना चाहिए था, तो एक स्टिकीनेस आता है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई पड़ जाती है जल्दी से, तो वो बस फ़र्क था। बाकी टेस्ट में अच्छी लगी, सबको पसंद आई, एक एक ही बनाई थी। और तो ये इंस्टेंट हो जाता है काम, अगर आपको भी कभी मन किया और तो ज़्यादा तुअर दाल बना लो। मेरा तो ऐसा था कि कल महाशिवरात्रि है तो दाल वेस्ट नहीं होनी चाहिए, और अभी दाल मतलब दाल तड़का देके खानी नहीं थी, तो इसीलिए मैंने सोचा, एकदम मेरे ध्यान में भी आया कि पूरन पोली बन सकती है, तो इसलिए मैंने उसे बनाया, तो टेस्टी बनी थी। तो आप भी ट्राई करके देखना, अच्छी लगती है। तो अभी मुझे थोड़े से वीडियोज़ की एडिटिंग करनी है। और एक बात, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो मेरा आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको कुछ मैसेज करने हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। तो चलिए फिर अभी मैं वीडियो को यही स्टॉप करती हूँ, कल का व्लॉग अलग से आएगा महाशिवरात्रि का। मैं ट्राई करूँगी कि कल मंदिर जाए, शिव जी का मंदिर है यहाँ पर, अच्छा मंदिर है और बहुत दिनों से वहाँ पर गए भी नहीं हैं, तो ट्राई करेंगे। कल छुट्टी भी है तो सुबह सुबह ही ट्राई करेंगे, अगर होता है तो ज़रूर मैं कल का वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज के वीडियो को यही स्टॉप करती हूँ, मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।